Yes, welcome again in maths lesson. Exercise number 3.6. Question number 2 is type of word problem. In this question, Ritu is a girl, is rowing. Rowing means वह बोट चला रही है इन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में एंड अप स्ट्रीम में जब बोट चलती है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स सेम आवर्स में यहां डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है और सेम आवर्स में यहां डिस्टेंस कम कवर हो रही है अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कम कवर हो रही है टाइम उतना ही लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में टाइम उतना ही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है Find her speed in still water and speed of the current. Current का मतलब है जो river का flow है उसकी speed आपको निकालनी है तो आपसे 2 unknown quantities पूछी गई है speed of the boat in still water. लिखा find her speed in still water. रुके हुए पानी में अगर boat चले तो speed क्या होगी और स्पीड ऑफ द करंट जो पानी फ्लो कर रहा है पानी चल रहा है रिवर का उस फ्लो की स्पीड भी आपको निकालनी है देखिए मान लेते हैं यूं ये रिवर है और रिवर का जो फ्लो है वो है यूं ये फ्लो है अब यहां पर बोट चल रही है ऋतु बोट चला रही है मैं बोट की 2 सिचुएशन बना रहा हूं बोट की 2 सिचुएशन बना दी एक बोट फर्स्ट सिचुएशन में तो लेफ्ट टू राइट जा रही है और फिर राइट टू लेफ्ट आ रही है क्योंकि सिंपल है बोट दोनों तरीके से चल सकती है जब पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम ये स्पेशल वर्ड था सेकंड स्पेशल वर्ड है अपस्ट्रीम जब पानी का फ्लो इधर है और बोट इधर आ रही है इधर अब देखें अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का फ्लो इधर है पानी का फ्लो नहीं बदलेगा जब नाव इधर आएगी तो लेकिन बोट इधर आ रही है तो इसे कहा जाता है अपस्ट्रीम इसे आप अपस्ट्रीम कहेंगे यहां पर आपको मानना है लेट अस सपोज फर्स्ट में यही स्पीड ऑफ द बोट हर स्पीड लिख दीजिए क्योंकि उसी में ही बैठी हुई है बोट के अंदर वो स्पीड ऑफ द बोट लिखे या हर स्पीड लिखे एक ही बात है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आपको मानना है स्टिल वाटर की स्पीड ही आपको माननी है किलोमीटर और आवर्स में दे रखा है क्वेश्चन तो एक्स किलोमीटर पर आवर दूसरी चीज ये मानेंगे सेकंड वेरिएबल है ये स्पीड ऑफ द फ्लो या करंट जो फ्लो कर रहा है रिवर का फ्लो है उसका स्पीड हमने मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में चलेगी जब फ्लो के डायरेक्शन में ही चलते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं और पीछे से हवा आ रही है हम इधर जा रहे हैं और हवा यूं चल रही है एयर का फ्लो यूं आ रहा है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन एयर यूं ही चल रही है और साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं तो हमें ज्यादा पावर यूज करनी पड़ती है और हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी बिल्कुल सिचुएशन यही के यही है पानी का फ्लो इधर है ऋतु भी इधर ही जा रही है लेफ्ट टू राइट तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में पानी का फ्लो इधर ही रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी उसको डिस्टेंस कम कवर करने को मिलेगी क्योंकि ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी उसको तो यहां लिखेंगे स्पीड
इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में ज्यादा हो जाएगी तो कितनी ज्यादा हो जाएगी, पानी का फ्लो और बोट की स्पीड दोनों का एडिशन। और फिर लिखेंगे स्पीड इन इसका अपोजिट अपस्ट्रीम, ये याद रखना आप, बोट की स्पीड हमेशा पानी के फ्लो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा नहीं हुई तो अनकंट्रोल होके उसी डायरेक्शन में बहने लग जाएगी बोट। तो एक्स को पहले ही लिखना है, वाई को पहले नहीं लिखेंगे। वाई हमने फ्लो इस पानी का फ्लो का स्पीड लिया है वाई, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ये अपस्ट्रीम में स्पीड रहेगी, अपस्ट्रीम में माइनस वाली स्पीड रहेगी और डाउन स्ट्रीम में प्लस वाली स्पीड रहेगी। ये फोर लाइंस आपको अज्यूम करनी है शुरू शुरू में, यहां से आपके क्वेश्चन का बेस स्टार्ट होता है। फिर टाइम का फॉर्मूला है सिंपल, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड्स हैं। तो यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, फर्स्ट डाउन स्ट्रीम वर्ड आ रहा था हमारा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना चलती है वो 20 किलोमीटर, 20 न्यूमरेटर बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अब ये वाली स्पीड पर्टिकुलर आपको ना तो बोट की लिखनी है और ना फ्लो की लिखनी है, अब डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड आप काम में लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है आपकी एक्स प्लस वाई, लेकिन ये कितना टाइम लेती है इसमें 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स इसके इक्वल में लिखते हैं, 2 से ये कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू सेकेंड इक्वेशन, अपस्ट्रीम, यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, नीचे आ जाएंगे आप, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2 आवर्स लिए, याद रखना। तो डिस्टेंस न्यूमरेटर बनेगी, डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन स्पीड, टाइम अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम वाली एक्स माइनस वाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम गिवन है 2 आवर्स, यहां काट दीजिए इसको, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप इजिली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वाई इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, देखें एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 12, एक्स इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आर आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 6 यहां पुट कर दें तो वाई इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आर आएगा। तो एक्स बोट की स्पीड है देख ले ज्यादा है, और ये फ्लो पानी के फ्लो की स्पीड है आप देख सकते हैं ये कम है। ऐसे एग्जांपल्स में भी सॉल्व कर रखे हैं कुछ क्वेश्चंस,
ऐसे क्वेश्चंस को आप करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।